हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर निकली ऐतिहासिक शोभा यात्रा, जय श्री राम जय हनुमान के जय घोष से गूंज उठा शहर, हनुमान जयंती पर शहर भर में हुई कई आयोजन, भक्तों में दिखा अपार उत्साह। बाड़मेर श्री राम भक्त वीर हनुमान का जन्मोत्सव शनिवार को धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयंती पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से दिन भर कई आयोजन हुए। गौरतलब है कि 2 वर्षों से कोरोना के चलते हनुमान जन्मोत्सव पर कोई कार्यक्रम नहीं होने के चलते इस बार हनुमान भक्तों में अपार उत्साह नजर आया। शनिवार को वीर हनुमान मंदिर सदर बाजार में प्रातः 5:15 से साय 5:15 तक अनवरत हनुमान चालीसा का चौपाया गूंजी। वहीं सफेद आंकड़ा स्थित मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। साय राम भक्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। स्वामणी का भोग 4 भुजा मंदिर रोड चढ़ाया गया। मंगल बालाजी परिवार के आनंद गुप्ता ने बताया कि 12 घंटों तक अखंड संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया। साय 5:15 से पूर्णाहुति के साथ इसका समापन हुआ। उन्होंने बताया कि 13 वर्षों से अखंड हनुमान चालीसा से कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते घरों में पाठ का आह्वान किया था। उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा में सारी समस्याओं का निवारण छुपा है। हनुमान जन्मोत्सव समिति के कमल सिन्हल ने बताया कि प्रातः 8:15 से वीर बालाजी मंदिर में ध्वजारोहण हुआ। शाम को 6 बजे स्थानीय अग्रवाल पंचायत भवन विरात्रा माता मंदिर के पास से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वीर बालाजी मंदिर पहुंची, जहां हनुमान भक्तों की ओर से सवामणि प्रसाद का भोग लगाया गया। शोभा यात्रा में श्री राम एवं हनुमान की ध्वजा, राम भक्त की झांकी, रथ पर विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा सहित कई आकर्षण रहे। जय श्री राम जय हनुमान के जय घोष से शहर गूंज उठा। भक्तों में अपार उत्साह व जोश नजर आ रहा था। भक्त झूमते गाते श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाने में मग्न दिखे। केशरी नंदन बालाजी परिवार की ओर से स्थानीय सफेद आंकड़ा मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ। संस्था के जगदीश बोथरा ने बताया कि संगीत में सुंदरकांड का पाठ प्रातः 10 बजे प्रारंभ हुआ। सुंदरकांड के पश्चात पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण किया गया। आजाद युवा ग्रुप के अध्यक्ष सतीश सोनी ने बताया कि स्थानीय 4 भुजा मंदिर प्रांगण में 51 किलो का रोड हनुमान जी को चढ़ाया गया। सोनी ने बताया कि इस शुभ अवसर पर हनुमान प्रतिमा को विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। शहर भर के हनुमान मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया, वहीं प्रतिमाओं को श्रृंगारित किया गया। मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा कर दिया कौमी एकता का संदेश। श्री हनुमान जन्मोत्सव व संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की 699वां जयंती महोत्सव पर स्थानीय स्टेशन रोड मुस्लिम समाज द्वारा दोनों विशाल शोभा यात्राओं के दौरान समाज के प्रतिबद्ध जनों का माला अर्पण द्वारा स्वागत करते हुए शोभा यात्रा पर जबरदस्त फूलों की वर्षा की। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल हिंदू भाइयों ने कौमी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम युवा कमेटी, मुस्लिम इंतजामिया कमेटी व जसनाट एकेडमी स्कूल की ओर से किया गया था। ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के एडवोकेट मुकेश जैन ने कहा कि बाड़मेर जिला कौमी एकता के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के होली, दिवाली व ईद पर्व का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के घर जाते हैं। मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, सब मिलजुल कर सुख दुख में काम आते हैं, धार्मिक पर्व पर गले मिलकर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर मुस्लिम युवा कमेटी के सदर अबरार मोहम्मद ने कहा कि वर्तमान दौर में विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर भाईचारा, आपसी संबंध और सेवाओं की अति आवश्यकता है। हमारा मुल्क सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देता है, वही सभी धर्म प्यार, मोहब्बत, एकता और मानवता को भी सीख देते हैं। इसे बरकरार रखने के लिए सभी को मिलकर सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। जसनाथ एकेडमी स्कूल के निदेशक रफी मोहम्मद ने कहा कि बाड़मेर की अपनायत बेमिसाल है, यहाँ के लोग समझदार और सुलझे हुए हैं। इस अवसर पर मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद मंजूर कुरैशी, नायब सचिव हारून भाई कोटवाल, शाह मोहम्मद सिपाही, हाजी अयूब खान तेली, एडवोकेट किरण मंगल, ममता मंगल, ह्यूमैनिटी रक्त सोसाइटी के संयोजक बच्चू खान कुमार, हजर ट्रेनर बच्चू खान कुमार, सिमरन, वंदना, कयूम, मुस्ताफ, मुख्तियार नियागर, शौकत शेख, बिहारी लाल पवार, एकेडमी प्रधानाचार्य रघुवीर गोदारा, शिक्षक दिनेश, झुंझाराम चौधरी, जगदीश कुमार, गणेशाराम, वंदना, सिमरन, आफताब, अब्दुल कयूम इत्यादि ने महारैली व झांकिया पर पुष्प वर्षा कर देश के कौमी एकता, प्रेम, भाईचारे का संदेश देकर सभी को शुभकामनाएं दी। भक्त जनों ने किया चालीसा का पाठ। हनुमान जयंती के अवसर पर स्थानीय जटिया समाज हनुमान मंदिर में शनिवार को सवामणि भोग का आयोजन किया गया, जहां
भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। जटिया समाज के कार्यकारी अध्यक्ष भंवरलाल खोरवाल ने बताया कि भक्तों द्वारा हनुमान जयंती पर पूजा अर्चना कर समाज व जिले भर की खुशहाली की कामना की गई। वहीं मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। वहीं जटिया पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर फुलवारिया ने कहा कि सनातन धर्म में हनुमान जयंती के पर्व को बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जाता है। बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जयंती को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन जगह जगह हनुमान जी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इससे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दौरान समाज के महामंत्री चंदन जाटोल, पूर्णदास खोरवाल, दयाल दास बागवान, माधुलाल गोसाई, अंबाराम बडेरा, पूर्णदास सिंगारिया ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान दुर्गाराम बडेरा, मोहनलाल फुलवारिया, रमेश बडेरा, मनसुख दास फुलवारिया, बाबूलाल बडेरा, लिखमाराम बडेरा, लेखराज खोरवाल, रमेश पिंटू फुलवारिया, ओम प्रकाश सुवासिया, लेखराज सिंगारिया, महेंद्र सुवासिया, श्रवण सिंगारिया, पप्पू सहित कई भक्तजन मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।